हल्द्वानी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जिस स्थिति में है उसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरा जीवन समर्पित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघर्ष कर जनसेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनके आदर्शों पर चलने की सलाह दी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और दुनिया में आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है। हम आज जहां है भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जहां दिखाई देता है, वो एक बहुत बड़ा त्याग तपस्या और बलिदान का जो हम बात करते हैं वो दीनदयाल जी के कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने त्याग भी की, तपस्या भी किया और उनका बलिदान भी हुआ। जो एकात्म मानववाद है आज वो पूरे विश्व को एक किस्म से मार्गदर्शन दे रहा है, वो पाथे है। जिस तरह से पैर में कांटा चुभता है तो अपने आप हमारा हाथ चले जाता है मस्तिष्क वाद की प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक जिन्हें कि हम हमेशा याद करते हैं। आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री हमारे समक्ष अभी आने वाले हैं। इसके साथ साथ ही माल्यार्पण कर प्रत्येक बूथ पर मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से पंडित दीनदयाल जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उनका जो विचार था कि लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, निश्चित रूप से आज उसको, जो उनका एक विचार था उसको पूरी तरह से पूरा करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आज लक्ष्य अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम छोर में जो भी व्यक्ति खड़ा है उसे मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पंडित दीनदयाल जी ने, जो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं चाहे अटल जी हैं, उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की